आगामी 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रोहतक में आयोजित होने वाली उत्तर क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हिमाचल विश्वविद्यालय की टीम बिलासपुर में अभ्यास कर रही है। बिलासपुर के कहलूर इंडोर स्टेडियम में कबड्डी टीम का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहां टीम के 12 सदस्य कोच प्रमोद खाकटा से प्रशिक्षण ले रहे हैं। वो 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पुरुष कबड्डी टीम जो है यहाँ पे अभ्यास कर रही है, और ये जाएगी अभी उत्तर क्षेत्रीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। तो ये जो प्रशिक्षण शिविर है, इसके आयोजन की जिम्मेवारी बिलासपुर महाविद्यालय को दी गई थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खेल विभाग की तरफ से। और यहाँ पे जो कोच हैं अपॉइंट किए गए हैं, मिस्टर प्रमोद खाकटा हैं जो साई के कोच हैं, वो इस टीम को प्रशिक्षण दे रहे हैं। 4 तारीख तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा, 5 को टीम जो है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हो जाएगी। और इस जो टीम है, इसमें 12 सदस्यीय टीम में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के चुनिंदा जो हैं, जो श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, उनको शामिल किया गया है। और उम्मीद ये है कि ये टीम जो है नॉर्थ जोन जो ये चैम्पियनशिप है उसके टॉप 4 में जो है प्रवेश करेगी, और उसी के साथ फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता के लिए भी जो है ये क्वालिफाई कर जाएगी। प्रशिक्षण शिविर जोरों से चला हुआ है, सुविधाएं हमारे यहाँ पे राज्य खेल छात्रावास के साथ लगते इंडोर हॉल में बहुत बेहतरीन है, और कबड्डी मैट्स पे और बहुत अच्छे कंपटीशन के बीच में बच्चों को जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है। उम्मीद है कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे।